दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि जो बिहार पुलिस मद निषेध है ना, जो मद निषेध विभाग से जो वैकेंसी आया, जिसका रिजल्ट भी आ गया था, 28 तारीख को रिलीज किया गया था, उसका पीटी के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, पीटी के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर गया है। तो कैसे हम डाउनलोड करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इस साइट पर आएंगे, ऑफिशियल साइट पर, बिहार पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल। ठीक है, इसका ऑफिशियल साइट, इस पर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके पा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए, देखिए यहाँ पर बताया गया डाउनलोड डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड ऑफ पीटी। ठीक है, पोस्ट है ना, प्रोविजन, ठीक है ना, प्रोविजन कॉन्स्टेबल एडवाइजमेंट नंबर 1/2022। ठीक है, तो इसका जो है जारी कर दिया है लिंक। अब कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ठीक है, ये आपका साइट पे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो के यहाँ पर आ जाएंगे लिंक और एक क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर डाउनलोड है ना, डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फॉर पीटी फॉर द पोस्ट प्रोविजन कॉन्स्टेबल। इस पर जैसे क्लिक कर देंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए खुलेगा, ये पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बता रहा है डाउनलोड 1/ एडवाइजमेंट नंबर बता रहा है, और फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए बता रहा है आपको, आपको हाइलाइटेड करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको लिख रहा है डाउनलोड 01/ एडवाइजमेंट नंबर दिया गया है, फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ले जाएगा वेबसाइट पर। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर बोले तो देखिए मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और मोबाइल नंबर, तो जो चीज़ से देखिए यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर और खोज रहा है, और माने कोई एक एक होता है, जैसे दो दिया है तो कोनो एक से निकाल सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कितना डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद ही कैप्चा, इसके बाद ही कैप्चा जो बताता है, यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे। ठीक है, और फिल करने के बाद यहाँ पर ये सारा चीज़ डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, और समिट पर जैसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबको जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर डाउनलोड होगा, यहाँ पर बताया गया है, इंट्रोडक्शन पर पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं मद निषेध उत्पादन संबंधी विभाग में मद निषेध सिपाही पद के लिए भर्ती हेतु केंद्रीय चयन परिहार के पद के आयोजन में दौड़ अन शारीरिक दशा परीक्षा के भाग लेने शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण स्वत इतना इतना से दिनांक किसी भी उत्पादक से, देखिए विज्ञापन संख्या इतना इतना के, ये प्रवेश अंकित महत्वपूर्ण विषय के महत्वपूर्ण के, ये जो अपना नोटिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो बताया गया ये डिक्लेरेशन दिएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर कि हम आपको निकाल के बता दें। ठीक है, हम सोचे कि जब साइट पे आ गया तो आप लोग का जानकारी दे देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद। अगर जब अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो वीडियो सब लोग का जानकारी होगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो जो जो आदमी के पास शेयर किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको होगा कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।